मैं अली बिन नवीद और आप देख रहे हैं एबीएन इंफोटेनमेंट। तो व्यूअर्स, अभी मैंने एबीएन इंफोटेनमेंट के पेज पे एक पोस्ट डाली थी कि मैं अपनी बुक कलेक्शन दिखाऊंगा। तो ये है वीडियो मेरी बुक कलेक्शन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नॉवल जो है वो है सेकंड चांस टाउन, जो कि लिखा है केली लेंगे। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप ये नॉवल ज़रूर पढ़ें। दूसरी बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने। अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है इन्वेस्टिंग के ऊपर सीखने के लिए। फिर आ जाती है 21 लेसन्स ऑफ द 21 सेंचुरी, युवाल नोहार हरारी ने लिखी है, जो कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये भी ज़रूर पढ़िए। दूसरी बुक भी इन्हीं राइटर की है, सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, के जो हिस्ट्री बताई गई है ह्यूमन काइंड के बारे में। तो ये दोनों आप ज़रूर पढ़ें। फिर आ जाती हैं स्टिलनेस इज सखी, रायान हॉलिडे। ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक में से एक फेवरेट बुक है और इसको भी आपको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगली है एलिफ शेफक की बुक, आपने इनके बारे में तो सुना होगा, एक टर्किश राइटर हैं ये, अ बस्टर्ड ऑफ इस्तांबुल। जेनिफर नाइवन की होल्डिंग अप द यूनिवर्स, ये भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद आती है खालिद हुसैनी की अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स, ये भी ज़रूर पढ़ें, ये एक बहुत अच्छा नॉवल है। दोस्तों, आपने हैरी पॉटर सीरीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मेरी हैरी पॉटर सीरीज में से आई थिंक ये फोर्थ है, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट फायर, ये मेरी फेवरेट बुक है, तो इसको मैंने ज़रूर रखा हुआ है। ये भी आप पूरी हैरी पॉटर सीरीज ज़रूर पढ़ें। फिर आ जाती है टीचिंग्स ऑफ रूमी, ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें इंग्लिश बहुत मुश्किल लिखी हुई है, तो मेरे ग्रेड के हिसाब से अभी तक तो मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन मैं इसको ज़रूर दोबारा पढ़ूंगा। फिर आ जाती है एलिफ शेफक की दोबारा ऑनर, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। एलिफ शेफक के बाकी भी जितने भी नावल हैं वो सारे ही बहुत ज़बरदस्त हैं, आपको सारे पढ़ने चाहिए। फिर ये रायान हॉलीडे के दोबारा द ऑब्स्टिकल इज द वे, ये भी मेरी फेवरेट बुक में से एक बुक है, तो आपको इसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। फिर एलिफ शेफक की दोबारा आ जाती है 40 रूल्स ऑफ लव, इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो ये भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। हालांकि मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं भी इसको ज़रूर पढ़ूंगा। फिर ये एक बुक है जो जैपनीज सीक्रेट मेथड के ऊपर है, इसका नाम होता है इकीगाई, जिसका मतलब होता है कि आपका पैशन क्या है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये, और आपको ये भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद जो बुक है ये है बिजनेस के ऊपर, शू डॉग फिल लाइट की, ये है नाइकी की स्टोरी के बारे में, और आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप इससे बहुत अच्छी बिजनेस टिप्स ले सकते हैं और नाइकी की हिस्ट्री को जान सकते हैं, तो और बाकी ये बहुत अच्छी बुक है। फिर सबसे लास्ट में एक नॉवल है सिडनी शेल्डन का, इफ टुमारो कम, सस्पेंस और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है, आपको ये भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो गाइज, ये थी सारी मेरी बुक कलेक्शन वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका पार्ट टू भी बना सकता हूँ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एबीएन इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।